वेलकम टू द फिजिक्स कोचिंग। प्रॉब्लम नंबर 2.12। यूज गाउस लॉ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। चार्ज डेंसिटी सिग्मा। कंपेयर योर आंसर टू प्रॉब्लम 2.8। 2.8 प्रॉब्लम थी जिसके अंदर सरफेस जो चार्ज डेंसिटी है उसकी मदद से निकालना था डायरेक्ट फॉर्मूले से। यहाँ हम करेंगे गाउस की मदद से। तो सबसे पहले मैं एक सॉलिड स्फीयर बनाता हूँ। ये एक स्फीयर है जिसकी रेडियस, ये सेंटर है, ये आर है। अब हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो इनसाइड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। ओके, तो इनसाइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक गाउसियन सरफेस चूज करेंगे जिसकी रेडियस, इसकी मैं कैपिटल आर कर देता हूँ क्योंकि स्मॉल आर हम इसमें यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, रो है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, तो परपेंडिकुलर क्या क्या है, परपेंडिकुलर है आर कैप। ओके, परपेंडिकुलर डायरेक्शन है आर कैप, और डी एस क्या है, इस गाउसियन का सरफेस। तो डी एस की वैल्यू कितनी होगी, एच थीटा एच फाई डी थीटा डी फाई। तो एच की एच थीटा की कितनी वैल्यू है, आर, एच फाई की वैल्यू है आर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, यानी कि आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंड्री पे कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन में डी एस इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड, क्यू इनक्लोज्ड की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, इक्वल टू रो डी टो। डी टो क्या है, वॉल्यूम है स्फीयर का। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसकी वैल्यू है रो आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई और डी आर। ओके, तो ये हो जाती है, इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, ट्रिपल इंटीग्रेशन है। तो रो बाहर कांस्टेंट है, आर स्क्वायर डी आर साइन थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन डी फाई। ओके, आर कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, क्योंकि हमको निकालना क्या है, जीरो से आर डिस्टेंस पे क्या निकालना है, क्यू इनक्लोज निकालना है। तो जीरो से आर, तो जीरो से आर थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, जीरो से पाई, और फाई कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, जीरो से टू पाई। तो ये हो गया रो आर क्यूब बाई थ्री साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी टू और टू पाई, यानी कि रो फोर पाई आर क्यू बाई थ्री, ये होगी क्यू इनक्लोज की वैल्यू। तो ये हम रखते हैं यहाँ, रो फोर पाई आर क्यूब अपॉन थ्री एप्सिलॉन नॉट। अब डी थीटा की वैल्यू, सॉरी डी एस की वैल्यू ये है, ये रख देते हैं। तो ये जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, डी एस है ये, और डी एस को इंटीग्रेट करेंगे तो डी इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इक्वल टू आर का, आर सेम टू सेम रहेगा क्योंकि इस पर इंटीग्रेशन नहीं है, साइन थीटा डी थीटा है, तो साइन थीटा डी थीटा और डी फाई, जीरो से पाई
जीरो से है 2 पाई, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा की, इसका इंटीग्रेशन करने पे 2 आएगा और ये 2 पाई है ही, तो ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम यहाँ रखते हैं, ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू रो 4 पाई आर क्यूब बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से एक आर माइनस हो गया, बचा एक, तो ई इक्वल टू रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी आर कैप। तो ई वेक्टर कितना हो जाएगा, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। ओके, अब हमको इनसाइड ही निकालना था, लेकिन हम कॉम्प्लीमेंट्री आउटसाइड भी निकाल लेते हैं। तो आउटसाइड आउटसाइड निकालने के लिए क्या करेंगे, हम एक आउटसाइड सरफेस चूज, गाउसियन सरफेस चूज करेंगे, स्फेरिकल सरफेस जिसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी, अगेन आर मान लेते हैं। ओके, और क्यू इनक्लोज्ड है, हमारे पास ये रहा, बस इसकी लिमिट आर की लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, 0 से कैपिटल R, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी क्यू इनक्लोज्ड ये हो जाएगी रो 4 पाई आर क्यूब बाई 3। ओके, डीएस की वैल्यू हमें पता ही है 4 पाई आर स्क्वायर, तो ई डॉट डीएस इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई क्या है, कांस्टेंट है बाउंड्रीज पे, तो इन कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, और फोर इंटीग्रेशन ऑफ डीएस इक्वल टू क्यू इनक्लोज कितना हो गया, रो जो जो कि ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा डीटो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फिर इसको इंटीग्रेट किया तो ये आया, तो ये हम पुट कर देते हैं 4 पाई आर क्यूब बाई 3, और डीएस की वैल्यू है 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ई मैग्नीट्यूड रो आर क्यूब बाई 3 एप्सिलॉन नॉट रह गया यहाँ पे, एप्सिलॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये हो गया आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी डायरेक्शन के साथ लिखेंगे तो ई वेक्टर इक्वल टू रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर कैप। ये हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।